दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में रोमांच की कोई कमी नहीं रही, लेकिन अंत में आरसीबी की टीम को इस मुकाबले में जीत मिली, जिसके बाद ऋषभ पंत बीच मैदान में ही पूरी तरह से भावुक हो गए और एबी डी विलियर्स और विराट कोहली ने उन्हें गले लगाया। चलिए बताते हैं आपको पूरे मूवमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल में कौन बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का टॉस जीता था ऋषभ पंत ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। सलामी बल्लेबाज विराट कोहली और देवदत्त पणिक्कल 30 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने पारी को संभाला, लेकिन वो अपनी इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और 25 रन बना सके। इसके बाद अंत में एबी डिविलियर्स ने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए 42 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 5 छक्के भी लगाए और अंतिम ओवर में स्टोनिस के 23 रन बटोरे, जिसके बाद आरसीबी की टीम 20 ओवर में 171 रन बनाने में कामयाब रही। ऐसे में 172 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 6 रन बनाकर ही यजुवेंद्र चहल को अपना कैच दे बैठे। उसके बाद स्टीव स्मिथ 4 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। ऐसे में बल्लेबाजी करने आए थे ऋषभ पंत, जिन्होंने पृथ्वी शॉ के साथ पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन टीम का स्कोर 47 रन ही हो पाया था कि पृथ्वी शॉ भी एबी डिविलियर्स को अपना कैच दे बैठे। दिल्ली की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। इस बीच ऋषभ पंत ने टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए पारी को संभाला और स्टोनिस के साथ एक साझेदारी की। इस बीच रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था और 10 के ऊपर हो गया था। ऋषभ पंत ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए तेज गति से रन बनाए, वहीं स्टोनिस ने भी 2 चौके लगाए और स्टोनिस 22 रन बनाकर चौथे विकेट के रूप में आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शिमरॉन हेटमायर, जिन्होंने तेज बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत में बड़े शॉट खेले और उनका बखूबी साथ दे रहे थे ऋषभ पंत, और दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली। अंतिम 2 ओवरों में टीम को जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी और ऐसे में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल, जिन्होंने अपनी शुरुआती 3 गेंदों में 4 रन बनाए और टीम को जीत के लिए 9 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी। ऐसे में ऋषभ पंत ने चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया और इस चौके को देखकर तो मैदान में मौजूद हर खिलाड़ी पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ये शॉट खेला था और उसका फायदा भी दिल्ली की टीम को मिला, क्योंकि ये चौका हो गया। और ऋषभ पंत का ये हेलीकॉप्टर शॉट देखकर तो विराट कोहली भी पूरी तरह से हैरान हो गए और उनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे थे, जिसको देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि विराट कोहली कितने ज्यादा चिंतित हैं। लेकिन ऋषभ पंत ने अंतिम गेंद तक इस मैच में लड़ाई जारी रखी और दिल्ली की टीम इस मुकाबले को मात्र 1 रन से हार गई। लेकिन तारीफ करनी होगी ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की, जिन्होंने नाबाद 58 रनों की पारी खेली, वहीं हेटमायर ने भी 53 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, आप ऋषभ पंत के उस हेलीकॉप्टर शॉट को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।